हाय फ्रेंड, नमस्कार सभी का। फिर से लगा मैं चल में थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड जिन्होंने मैं चलो सब्सक्राइब का लाइक किया एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फ्रेंड आप किसी भी जियो नंबर का फ्रेंड पूरा कॉल स्टेटमेंट निकाल सकते हो। फ्रेंड उन्होंने किससे बात किया, किस नंबर पर बात किया, कितना समय बात किया, ओके। तो फ्रेंड हर एक डिटेल आपको मिल जाएगा, अपने जियो नंबर का पूरा कॉल हिस्ट्री, पूरा कॉल स्टेटमेंट निकाल सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ओके। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा। जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा, ओके। तो फ्रेंड इस तरीके से आप पूरा डिटेल निकाल सकते हो, पूरा कॉल डिटेल निकाल सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो, ओके। तो फ्रेंड आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊँ किस तरह पूरा कॉल स्टेटमेंट निकाल सकते हो। उसके लिए फ्रेंड आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ओके। तो जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ओपन करने के बाद अपना जियो का नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, जो नंबर का आपको कॉल डिटेल निकालना है, ओके। तो फ्रेंड जैसे लॉगिन कर लोगे आपके सामने इस तरह का पूरा इंटरफेस आ जाएगा, ओके। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इसको नीचे आना है और यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा, दो ऑप्शन दिखेगा, व्यू प्लान एंड चेक यूजेस। तो फ्रेंड आपको इस पर क्लिक करना है, चेक यूजेस पे। तो फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड आपके कितना डेटा यूज है, फ्रेंड आपको रोज के डेटा अपडेट आ जाएंगे और इसके नीचे आपको ऑप्शन आया डू यू वॉन्ट टू व्यू डिटेल यूजर स्टेटमेंट। तो फ्रेंड आपको यहाँ स्टेटमेंट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस फ्रेंड आपको राइट हैंड साइड में कॉल्स के मिलेंगे, ओके। उसके बाद आपको सेम प्रोसेस यहाँ SMS के मिल जाएंगे, यहाँ सेम प्रोसेस आपके वाईफाई के मिल जाएंगे, कॉल के मिल जाएंगे, डेटा के मिल जाएंगे, ओके। जैसे आप यहाँ कॉल्स पे क्लिक करोगे वो कॉल्स पे आपको अपना कॉल डिटेल मिल जाएगा। उसके नीचे फ्रेंड आपको एक ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू व्यू डिटेल्स यूजर्स स्टेटमेंट, ओके। फिर आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करना, आपको जो भी डेट सेलेक्ट करना आप वो डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको कब से कब तक का चाहिए। तो जो मेरा डिफॉल्ट मैं आपको बताने के लिए वही रखूँगा, ओके। तो उसको आप व्यू भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो स्टेटमेंट को, और ईमेल भी कर सकते हो कोई भी आईडी पे। तो मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और मैं सबमिट कर दूँगा। जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा फ्रेंड ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद मेरा कॉल स्टेटमेंट मेरे सामने ओपन हो जाएगा। सिम कार्ड किसके नाम पे है सब डिटेल आपके सामने आ जाएगा, जैसे आप इसको इस नंबर को लॉगिन कर लोगे, ओके। फ्रेंड पूरा डिटेल आ चुका है, आपको यहाँ प्लान डिटेल पे क्लिक करना, उसके बाद ही मैं आपको ऑप्शन देगा यूजेस चार्जेस, ओके। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा डेटा वॉइस SMS, आपको वॉइस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है क्लिक हियर पे। जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करोगे आपके सामने पूरा स्टेटमेंट फ्रेंड आ जाएगा, ओके। उसके बाद आप पूरा स्टेटमेंट चेकआउट कर सकते हो, किस नंबर पे कितना बात हुआ, कब बात हुआ, ओके। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो अपने जियो एप्लीकेशन से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करिएगा। थैंक यू।